हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स गो एक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपको टॉक्सिकोलॉजी के अंदर अल्कोहलिज्म और मिथेनॉल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मैं नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो जैसे मैंने आपको बताया टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आज मैं आपको अल्कोहलिज्म और मिथेनॉल के बारे में आज आपको बताऊंगा। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस लेते हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये है कि ये एकदम लाइव होती हैं, यानी कि लाइव क्लासेस का बेनिफिट आप घर बैठे उठा सकते हैं। यहाँ पे एजुकेटर्स आप वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्यूशन भी कर सकते हैं। इन यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आज रहता है, तो ऐसे में वो जब भी फ्री हो वो अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दे रखी है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो इन लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये है कि आप एजुकेटर के साथ यहाँ पे चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, किसी चीज़ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और इसके चार ऑप्शन हैं, तो वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। बस आपको अपने घर बैठे बैठे आपको बस ये आपको सोचना है कि उन चारों ऑप्शन का आंसर क्या हो सकता है। बस आपको फिर जो है उन चार में से किसी एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और जिसका आंसर आपको तुरंत आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़े आएंगे। इसका ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। यानी कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और सब्सक्रिप्शन के टाइम पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% के डिस्काउंट के साथ ये आपको पड़ेगा 4,500 का। अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 11,250 का। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 18,000 का। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो कि है LIVEDRAM, अगर आप ये कोड यूज़ करते तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल के ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर मैं इस चार्ज में अगर मैं 4,500 और ऐड करूँ, यानी कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और मैं ऐड करूँ, तो यानी कि टोटल 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपको टोटल 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर 4,500 और ऐड करूँ तो ये बन जाता है 27,000 रुपीज़। तो इसका ये हुआ दोस्तों कि पूरे 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर एक कॉमन सा लॉजिक लगाएं तो जनरली जो स्टूडेंट इंटर्न हैं या जिन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया है तो उनको लगभग 1 साल, क्योंकि नीट पीजी का एग्ज़ाम 1 साल बाद है, तो ऐसे में दोस्तों लगभग 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिएगा ऐसे में। तो अगर दोस्तों 1 साल के सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 मंथ और ऐड कर देते हो तो आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों एक बार ये सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऐसी सुविधाएं और भी किसी ऐप में नहीं है। तो
तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि हमेशा अपने अंदर बिलीव रखिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। हमेशा अपने अंदर ये मोटिवेशन लेके आइए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं काफ़ी अच्छी रैंक के साथ नीट पीजी क्वालिफाई कर सकता हूँ। हमेशा अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए जब भी आप स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक लेते हैं अल्कोहलिज्म। तो अल्कोहलिज्म ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉनिक पॉइजनिंग, एथनॉलिज्म, एल्कोहल अब्यूज, एल्कोहल डिपेंडेंस। डेफिनेशन क्या है दोस्तों? एल्कोहलिज्म इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव ड्रिंकिंग दैट रिजल्ट इन इंजरी टू पर्सन्स हेल्थ और इनएडिक्वेट सोशल फंक्शनिंग और बोथ। DSM-4 क्या कहती है दोस्तों? डिफाइन DSM है दोस्तों जो साइकेट्री के लिए जो ऑथर है उनकी एक बुक है, तो उसके अंदर DSM-4 की जो डेफिनेशन है उसकी उसके हिसाब से क्या है? एल्कोहलिज्म एज रिपीटेड एल्कोहल रिलेटेड डिफिकल्टी इन एटलीस्ट 3 ऑफ फॉलोइंग 7 एरिया ऑफ फंक्शनिंग। तो यानी कि इन 7 में से जो है एटलीस्ट थ्री जो है डिफिकल्टीज होगी, जैसे टॉलरेंस, विथड्रॉल, टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल ओवर लॉन्गर पीरियड देन इंटेंडेड, इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूज, स्पेंडिंग ग्रेट डील ऑफ टाइम एसोसिएटेड विथ एल्कोहल यूज, गिविंग अप इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज टू ड्रिंक, और सातवा है कंटिन्यू यूज ऑफ एल्कोहल डिस्पाइट फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये 7 में से एटलीस्ट 3 फुलफिल होने चाहिए DSM-4 के क्राइटेरिया के हिसाब से। एल्कोहल अब्यूज इज कंसिडर्ड एज रिपीटेड प्रॉब्लम विद एल्कोहल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एरिया ऑफ लाइफ विदाउट एल्कोहल डिपेंडेंस। वो 4 क्या हैं? इनएबिलिटी टू फुलफिल मेजर ऑब्लिगेशन, यूज ऑफ एल्कोहल इन हैजार्डियस सिचुएशन सच एज ड्राइविंग, इनक्योरिंग लीगल प्रॉब्लम यूज डिस्पाइट सोशल और इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज। तो ये जो हैं प्रॉब्लम आती हैं इन 4 में से कोई भी एक प्रॉब्लम होनी चाहिए। डिप्सोमनिया इज अ इररेसिस्टिबल डिजायर टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल अनटिल द पर्सन बिकम ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो यानी कि उसके लार्ज डोज लेने के बावजूद भी जब वो उस डोज पे अनकॉन्शियस हो जाएगा तो उसके बाद इफेक्ट आने लग जाएंगे, तो उसको डिप्सोमनिया बोला जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है एल्कोहलिज्म के? तो CNS कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो CNS के अंदर आता है एल्कोहलिक ब्लैकआउट, फ्रेगमेंटेड स्लीप यानी कि रेस्टलेस स्लीप, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वर्निकीज कोर्साकॉफ सिंड्रोम, सेरेबेलर डिजनरेशन, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, परमानेंट CNS इम्पेयरमेंट, मार्सिया फावा बिगडानी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ रेयर इडियोपैथिक सिंड्रोम ऑफ डिमेंशिया एंड सीजर्स विद डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। द सिंड्रोम इज प्राइमरी रिपोर्टेड इन मेल इटालियन ड्रिंकर ऑफ रेड वाइन। तो मार्सिया फावा बिगनामी सिंड्रोम क्या होता है कि ये एक एडियोपैथिक कंडीशन जिसके अंदर डिमेंशिया और सीजर की वजह से कॉर्पस कैलोसम का डीजनरेशन होने लग जाता है। सीवियस मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें दोस्तों कॉम्प्लिकेशन में, तो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन विथ हैवी ड्रिंकिंग, एल्कोहल कार्डियोमायोपैथी, हॉलीडे हार्ट। इसके अंदर क्या इसका क्या मतलब होता है? आर्टियल और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, स्पेशली प्रोक्सिमल पैरोक्सिमल ट्रैकीकार्डिया कैन अकर आफ्टर बिंज इन इंडिविजुअल विद नो एविडेंस ऑफ हार्ट डिजीज। GIT मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनल अल्सरेशन, अपर GIT ब्लीडिंग, मलोरी वी सिंड्रोम, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, इसोफेगस फेरिसिस, एट्रोपी ऑफ गैस्ट्रिक सेल, पेनक्रेटाइटिस, माल अब्सॉर्प्शन, डायरिया सेकेंडरी टू इंक्रीज स्मॉल बाउल मोटिलिटी एंड डिक्रीज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, फैटी लीवर, एल्कोहलिक सिरोसिस और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो दोस्तों ये सारी जो हैं कॉम्प्लिकेशन के अंदर आते हैं। तो हमने CNS देख लिया, CVS देखा, GIT देख लिया। नेक्स्ट आते हैं जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखी जाएंगी दोस्तों? इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर इन मैन,
बट डिक्रीज इरेक्टाइल कैपेसिटी। ये अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप चाहते हैं तो विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी सारी चीज़ लिखी थी, जैसे अल्कोहल प्रोवोक द डिजायर बट इट टेक अवे द परफॉर्मेंस। इसके अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, टेस्टिकुलर एट्रोफी, श्रिंकेज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल, डिक्रीज स्पर्म काउंट, एमेनोरिया, डिक्रीज इन ओवेरियन साइज, एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरल यूटिया विद इनफर्टिलिटी, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन देखी जाएंगी जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन कॉम्प्लिकेशन के ऊपर। तो इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, जैसे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, पाइरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, थायमिन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। थायमिन से रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे कि वर्निको-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम देखा जाता है। तो आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिंक डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, विटामिन ए डी और के डेफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी अल्कोहलिज्म के अंदर। हेपेटोपोएटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी हमें, इंक्रीज इन आरबीसी साइज विद फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, रेटिकुलोसाइटोपिनिया एंड हाइपरप्लास्टिक बोन मैरो। मालन्यूट्रिशन से हमें क्या मिलेगा, सिड्रोब्लास्टिक चेंजेस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, डिक्रीज ग्रेनुलोसाइट मोबिलिटी एंड एड्रेंस, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स टू न्यू एंटीजन, टॉक्सिक ग्रेनुलोसाइटोसिस, माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपर स्प्लीनिज्म। तो ये सारी हमें हिमेटोपोएटिक सिस्टम के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। अदर्स के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, अल्कोहलिक मायोपैथी, तो इस ये भी हम देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फेटल इफेक्ट ऑन अल्कोहलिज्म, यानी कि अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वीमेन अगर अल्कोहल ले रही है तो उसके जो है फीटस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अल्कोहल क्रॉसेस द प्लेसेंटा बैरियर एंड रीचेस फीटस, द फीटल एबनॉर्मेलिटीज में रेंज फ्रॉम सेलेक्टेड फीटल अल्कोहल इफेक्ट यानी कि FAE टू फुल ब्लोन फीटल अल्कोहल सिंड्रोम FAS। तो FAS के करेक्टरिस्टिक क्लासिफाइड कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो हम अब जो बात करें वो कर रहे हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की। तो क्लासिफाइड एज पहला है फेशियल डिसमॉर्फोलॉजी, दूसरा है प्रीनेटल एंड एंटीनेटल ग्रोथ डेफिशिएंसी, CNS इन्वॉल्वमेंट के अंदर क्या क्या देखा जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन देखा जाएगा, सिमिलरली स्टिल बर्थ एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन आर मोर कॉमन। तो ये भी देखा जाएगा FAS के अंदर यानी कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे। दोस्तों कॉज ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो अल्कोहलिज्म के अंदर कॉज ऑफ डेथ क्या होगा, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ डेथ रिलेटेड डेथ, पहले सिरोसिस, फैटी लीवर, हिपेटिक फेलियर, रप्चर इसोफेजियल वायरसेस, एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी, पेंक्रेटाइटिस। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अल्कोहलिज्म के अंदर। तो इन सब के अल्कोहलिज्म के अंदर इन सब की वजह से डेथ हो सकती है पर्सन के अंदर। दोस्तों विड्रॉल के अगर बारे में बात करें तो अल्कोहल विड्रॉल में क्या क्या देखने को मिलेगा, सडन सेसेशन ऑफ अल्कोहल बाय सच पर्सन रिजल्ट इन विड्रॉल रिएक्शन, द विड्रॉल रिएक्शन में मैनिफेस्ट एज। तो विड्रॉल रिएक्शन क्या क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंटी सिंड्रोम डेवलप 6 to 8 hours आफ्टर सेसेशन ऑफ द अल्कोहल एंड इज करेक्टराइज बाय ट्रिमर, एजिटेशन, स्वेटिंग, नोजिया, हेडेक एंड इंसोमनिया। अल्कोहल हेलुसिनेशन अपीयर 24 to 36 hours आफ्टर सेसेशन ऑफ द अल्कोहल, सीजर्स देखने को मिलेगा ऑल्सो कॉल्ड एज रम फिट्स अकर 7 to 48 hours आफ्टर सेसेशन ऑफ द अल्कोहल, द सीजर्स आर क्रोनिक टोनिक इन नेचर विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्कोहल कीटो एसिडोसिस देखा जाएगा विड्रॉल के अंदर, डिलीरियम ट्रिमर्स देखा जाएगा, ट्रिमर्स वर्निकी एंड कोर्सैकॉफ सिंड्रोम भी देखा जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर बताया था थायमिन डेफिशिएंसी से वर्निकी एंड कोर्सैकॉफ सिंड्रोम भी देखा जाता है। तो विड्रॉल के अंदर हमने क्या क्या देखा, ट्रिमर्स देखा जाएगा, एजिटेशन देखा जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इंसोमिया ये सब देखा जाएगा, हेलुसिनेशन हो सकता है विड्रॉल में, सीजर्स देखने को मिलेगा, और जो सीजर्स किस टाइप के होंगे, क्रोनिक टोनिक टाइप के सीजर देखे जाएंगे,
एल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस देखा जाएगा, डिलीरियम ट्रीमर्स देखा जाएगा, वर्निकेन कोर्सिकॉफ सिंड्रोम देखा जाएगा। तो यहाँ पे ट्रीमर की स्पेलिंग में ठीक कर देता हूँ, ट्रीमर्स, डिलीरियम ट्रीमर्स की अगर हम बात करें, ट्रीमेंस भी बोला जाता है लेकिन ट्रीमर ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। द डिसऑर्डर अपीयर आफ्टर 3 to 5 days आफ्टर सेसेशन ऑफ द अल्कोहल एंड ऑनसेट इज सडन। द डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय क्लॉडिंग ऑफ अनकॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑरियंटेशन विद लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरीज। द डिसऑर्डर मे बी एसोसिएटेड विद विविड हेलोसिनेशन, मोस्टली विजुअल और समटाइम ऑडिटरी इन नेचर। देयर इज एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, शॉर्टिंग, ट्रीमर्स, एटेक्शिया, इंसोमनिया। ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस आर कॉमन एंड इंक्लूड स्वेटिंग, फीवर, टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड डायलेटेड पीपल। व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिलीरियम ट्रीमेंट्स, ही इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट बिकॉज ही इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड ड्यूरिंग द स्टेट। तो भारत का जो कानून है उसके अंदर ये साफ कहा गया है कि अगर कोई ये अगर डिलीरियम ट्रीमर्स के इफेक्ट से गुजर रहा है और उसके अंदर वो कोई कांड अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर देता है तो वो अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा कि अल्कोहल सेसेशन जो है 3 से 5 दिन के बाद डिसऑर्डर अपीयर करता है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, कॉन्शियसनेस, डिसोरियंटेशन, लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। हेलुसिनेशन देखा जाएगा, उसके अंदर भी ज़्यादातर मोस्टली विजुअल होते हैं और ऑडिटरी भी होते हैं कुछ टाइम। एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, शाउटिंग, ट्रेमर्स, एटैक्सिया, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी। इसके अंदर फीवर, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी। और ये तो मैंने बताया दिया कि अनसाउंड माइंड कंसिडर करेगा, भारत का कानून उसको गुनाह नहीं मानेगा अगर इस टाइम पे अगर किसी ने कोई इलीगल काम कर दिया है तो। हाँ, लेकिन वॉलेंट्री अगर ड्रिंकिंग की है तो वो अपने गुनाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दोस्तों, जो हमने सिंड्रोम देखा था, वर्निकिस कोर्साकॉफ सिंड्रोम, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज एल्कोहल इंड्यूस्ड परसिस्टिंग एमनिस्टिक डिसऑर्डर एंड अकर्स ड्यू टू थायमिन डेफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको कहा था, थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से जो है वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम देखा जाता है। तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम प्रेजेंट विद, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कोर्साकॉफ और वर्निकी। तो पहले कोर्साकॉफ के बारे में जानते हैं। प्रोफाउंड एंटेरोग्रेड एमनीशिया, यानी कि इनएबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। माइल्डर रेट्रोग्रेड एमनीशिया, इम्पेयरमेंट इन विजुअल, स्पेशियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग। मोस्ट ऑफ द पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड एज एक्यूट ऑनसेट ऑफ कोर्साकॉफ सिंड्रोम इन एसोसिएशन विद वर्निकी सिंड्रोम, वेयर एज रेस्ट पीपल शो ग्रेजुअल ऑनसेट। तो इसके अंदर हमें एंटेरोग्रेड एमनीशिया देखने को मिलेगा, थोड़ा माइल्डर रेट्रोग्रेड एमनीशिया भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर विजो स्पेशल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इम्पेयर हो जाएंगी। वर्निकी सिंड्रोम के अगर बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो वर्निकी सिंड्रोम और एनसेफलोपैथी, इज एन एक्यूट फॉर्म ऑफ सिंड्रोम करेक्टराइज बाई ड्रॉजीनेस, डिसऑरियंटेशन, एमनीजिया, एटेक्सिया, पेरीफेरल न्यूरोपैथी, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस एंड डिप्लोपिया ड्यू टू ऑप्थेल्मोप्लीजिया। तो वर्निकीज के अंदर हमने क्या क्या देखा, ड्रॉजिनस, डिसऑरियंटेशन, एमनीजिया, टेक्सिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी वर्निकी सिंड्रोम के अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सैटरडे नाइट पैलसी के बारे में। एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन वाइल सिटिंग इन ए चेयर में हैंग इज आर्म ओवर चेयर एंड स्लीप। द रिजल्टेंट हैंगिंग ऑफ द आर्म ओवर चेयर कंप्रेसेस ब्रेकियल प्लेक्सेस कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ द मसल। द फिनोमिना इज फ्रीक्वेंट ऑन द वीकेंड वेयर अ पर्सन में हैव बिंज ड्रिंकिंग ऑन सैटरडे इवनिंग विद सब्सिक्वेंट पैलसी, यानी कि पैरालिसिस, यानी कि आपने
फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के अंदर, या आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर पढ़ा होगा कि ये मैं मिटा देता हूँ मैं, तो उस आपने जो है ये पढ़ा होगा कि पर्सन जो है ऐसे करके बैठ जाता है, ऐसे करके बैठ जाता है, तो जो चेयर होती है, चेयर जो है उसके ब्रेकियल प्लेक्सिस को कॉम्प्रेस करती है, जिसकी वजह से उसके मसल्स के अंदर पैरालिसिस हो जाता है। सिंस जो अंग्रेज लोग होते हैं वो सैटरडे की शाम को रात में जो है वाइन या शराब पीने वो लोग आते हैं, और फिर शराब पीते पीते वो ऐसे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेकल प्लेक्सेस जो है कंप्रेस कर जाता है, जिसकी वजह से उनके मसल्स के अंदर पैरालिसिस देखा जाता है। या आपने फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के अंदर ब्रेकल प्लेक्सेस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, तो तब भी एक बार रिपीट करता हूँ। ये इस क्या होता है, वाइल सिटिंग चेयर में हैंग हिज आर्म ओवर चेयर एंड स्लीप, ऐसे रख के वो हाथ रखता है और फिर वो सो जाता है। द रिजल्टेंट हैंगिंग ऑफ द आर्म ओवर चेयर कंप्रेसेस ब्रेकियल प्लेक्सस कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ द मसल। तो ये ज़्यादातर वीकेंड्स के ऊपर होता है, जब पर्सन सैटरडे की इवनिंग को जो है ड्रिंकिंग के लिए आता है। एल्कोहल प्रेमसेट यानी कि एल्कोहलिक ब्लैकआउट के बारे में अब हम थोड़ा जानते हैं। द पैची एमनेशिया विच इज नॉट एसोसिएटेड विद अनकॉन्शियसनेस हैज बीन कॉल्ड एज एल्कोहलिक प्लम्पसेट प्लम्पसेट। दोस्तों बात करते हैं एल्कोहलिज्म के मैनेजमेंट के ऊपर। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड रेस्ट, विटामिन बी सप्लीमेंटेशन, जुडिशियस यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन टू कॉम्बैट विड्रॉल रिएक्शन, एवर्जन थेरेपी इज मेंट फॉर गैजुअल वीनिंग अवे द पर्सन फ्रॉम हैबिट ऑफ एल्कोहल कंजप्शन, द थेरेपी इज इन कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ विड्रॉल रिएक्शन। डायसल्फिराम हम इसके अंदर देते हैं, हैज बीन यूज एज एन एवल्शन टेक्निक। इट इज एज्यूम डेट डायसल्फिराम इंटरफेयर्स विद द ऑक्सीडेटिव मेटाबोलिज्म ऑफ एल्कोहल, इनहिबिट एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस विद एक्यूमुलेशन ऑफ एल्डिहाइड। एक्यूमुलेशन ऑफ एल्डिहाइड प्रोड्यूस अनप्लीजेंट सिम्टम कॉल्ड एज एल्डिहाइड सिंड्रोम। वेन एवर पर्सन कंज्यूम एल्कोहल देयर फॉर पर्सन प्रिफर नॉट टू ड्रिंक। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्सन को हम डाइसल्फिराम दे देते हैं। डाइसल्फिराम क्या करता है कि जो एल्कोहल होता है वो जो मेटाबोलाइज होके, मतलब ऑक्सीडेटिव मेटाबोलिज्म ऑफ एल्कोहल विद एक्यूमुलेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि वो जो है एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और एल्डिहाइड क्या करता है, एक अनप्लीजेंट सिंड्रोम देता है, यानी कि जैसे पेट में दर्द, तो जैसे एक पेट में दर्द एक कंडीशन होता है, तो डाइसल्फिराम क्या करता है, जैसे ही पर्सन ड्रिंक करता है तो वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और फिर ये एल्डिहाइड क्या करता है, बॉडी के अंदर अनप्लीजेंट सिम्टम दिखाता है, जैसे पेट में दर्द वगैरह। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को ये लगता है कि शराब पीने से उसको जो है ये सारी चीज़ें सिम्टम्स देखने लग जाएंगे, पेट में दर्द जैसी, तो इसलिए वो क्या करता है, फिर अवॉइड करने जाता है अल्कोहल को पीने से। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी ये भी दे सकते हैं, और फिर रिहेबिलिटेशन, तो ये भी हम कर सकते हैं मैनेजमेंट में। तो दोस्तों एल्डिहाइड सिंड्रोम के अंदर क्या क्या हम देखेंगे, सीएनएस की अगर सीवीएस की अगर बात करें तो अनइजीनेस, टाइटनिंग इन चेस्ट, सिंकोप, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, एरिथमिया, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, टैकेपनिया। सीएनएस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्लड विजन, कंफ्यूजन कंफ्यूजन, वर्टाइगो, थ्रॉबिंग हेडेक, वीकनेस, तो ये सारी चीज़ देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम, ये है रेस्पिरेटरी सिम्टम, रेस्पिरेटरी सिम्टम के अंदर हमें टैकेपनिया देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था एब्डोमिनल पेन, तो जीआईटी के अंदर, तो एल्डिहाइड सिंड्रोम के अंदर यानी कि डाइसल्फिराम जब हम देंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था डाइसल्फिराम जब हम देंगे, डाई सल्फी रैम, ये मैं ये इसको मिटा ही देता हूँ मैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो जब हम डाई सल्फी रैम देते हैं तो वो एल्कोहल को
जो है एल्डिहाइड में ही रोक देता है कन्वर्जन, और फिर एल्डिहाइड जो है अनप्लीजेंट सिंड्रोम सिम्टम्स दिखाता है। तो क्या क्या दिखाएगा? अनइजीनेस, टाइटनेस इन चेस्ट, सिंकोप, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, अरिथमिया, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के अंदर टैकीपनिया, सीएनएस के अंदर ब्लड विजन, कन्फ्यूजन, वटाइगो, थ्रम्बिंग, हेडेक, वीकनेस, और फिर जीआईटी के अंदर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था एब्डोमिनल पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, और बाकी क्या क्या सिम्टम दिखा सकता है, स्वेटिंग और फ्लशिंग। तो दोस्तों ये हमें वर्ड याद रखना पड़ेगा, डाइसल्फीग्राम। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ डाइसल्फीग्राम। अच्छा, डाइसल्फीग्राम के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? मेटलिक टेस्ट, मैलेज, एब्डोमिनल डिसकंफर्ट और फिर रैश। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट के अंदर आते हैं डाइसल्फीग्राम। मैं यहाँ पे ये डाइसल्फीग्राम, तो ये सारी चीज़ें एडवर्स इफेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, मेटलिक टेस्ट, मैलेज, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और फिर रैश। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोप्सी फाइंडिंग की। तो ऑटोप्सी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? स्मेल ऑफ एल्कोहल, कंजेस्टेड कंजक्टाइवा, राइगर मोर्टिस में भी डिलेड, डिकम्पोजिशन में भी डिटार्डेड, ऑर्गन्स आर कंजेस्टेड, डार्क फ्लूइड ब्लड, इन क्रोनिक एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिक के अंदर हमें क्या देखने मिलेगा, क्रोनिक एल्कोहलिक के अंदर क्या क्या देखने मिलेगा, फैटी और सिरोटिक लीवर, कार्डियोमायोपैथी, पेनक्रोटाइटिस, सेरेबेलर डिजेनरेशन, सेरेबेलर एट्रोफी, एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक सेल्स, टेस्टिकुलर एट्रोफी, डिजेनरेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो ये जो क्रोनिक जो एल्कोहलिक होते हैं उन लोग के अंदर ऑटोप्सी के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की। तो एज पर सेक्शन 85 और आईपीसी, तो हमारा 85 आईपीसी क्या कहता है, अ पर्सन इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज क्रिमिनल एक्ट इफ एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट अ पर्सन हैपन टू बी इंटॉक्सिकेटेड एंड प्रोवाइडेड दैट द एल्कोहलिक और इंटॉक्सिकेशन वॉज गिवन टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन voluntarily drunkenness is no excuse for commission of the crime। यानी कि हमारा सेक्शन 85 क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है तो वो अपने क्रिमिनल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन इसके लिए खास ध्यान रखने वाली ये होगी कि अगर किसी ने जानबूझ के अगर voluntarily शराब पी है तो वो अपने क्रिमिनल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे तो हर कोई शराब पीने का जो है ड्रिंक एंड ड्राइव करने लगे, शराब पीने का गाड़ी चलाने लगे और फिर वो कहता है भाई हमारा 85 सेक्शन आईपीसी तो हमें कानून के लिए, हमारे क्रिमिनल एक्ट के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, तो ऐसे तो हर कोई शराब पीने लग जाएगा। तो नहीं, अगर किसी के नॉलेज के बगैर, अगर विदाउट हिज नॉलेज अगर किसी ने शराब अगर उसके इंटॉक्सिकेशन हो गया है तो ही वो 85 आईपीसी के सेक्शन से वो उसको जो है क्रिमिनल एक्ट के प्रति उसको छूट मिल सकती है। 86 आईपीसी क्या कहता है, अट एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट being intoxicated unless things which intoxicated him with administrated to him without his knowledge or against his will। तो दोस्तों 86 आईपीसी भी यही कहता है कि not an offense unless done with a particular knowledge or intent a person who does the act in state of intoxication। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 510 आईपीसी से रिलेटेड। तो 510 आईपीसी हमारा ये कहता है कि अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो वो जो है अपने उसके लिए पब्लिक प्लेस पे अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो वो पनिशेबल होगा। मिसकंडक्ट बाय अ ड्रंकन पर्सन इन पब्लिक प्लेस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट
अप टू 24 आवर्स। मैं दोस्तों एक बारी 86 IPC और बोल देता हूँ कि अगर किसी ने वॉलेंट्रीली अगर किसी ने ड्रंक किया है तो वो क्राइम माना जाएगा, यानी कि वॉलेंट्रली अगर किसी ने ड्रंकननेस है तो वो क्राइम माना जाएगा। तो व्हेन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिलीरियम ट्रीमेंस ही इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट बिकॉज ही इज कंसिडर्ड टू बी फाउंड ऑफ अनसाउंड माइंड ड्यूरिंग द स्टेट। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन के चलते अगर डिलीरियम ट्रीमेंस अगर ट्रीमेंस शो करता है तो वो अनसाउंड माइंड कहलाया जाएगा। कंसेंट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑफ ड्रिंकिंग पर्सन वाइट सुप्रा, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर वो क्रिमिनल एक्ट के लिए अगर कस्टडी में नहीं आया है तो एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो क्रिमिनल एक्ट के दौरान अगर वो जो है कस्टडी में आया है तो बिना कंसेंट के भी एग्जामिनेशन किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129A अंडर बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 BPA द प्रोहिबिशन ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर हु हैज रिस्पॉन्सिबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द पर्सन हैज कंज्यूम अल्कोहल मे प्रोड्यूस सच पर्सन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रंकननेस एंड और कलेक्शन ऑफ द ब्लड। द मेडिकल एग्जामिनर एग्जामिन्स द पर्सन एंड इशू अ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ए कंटेनिंग द डिटेल ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। द ब्लड सैंपल कलेक्टेड बाई मेडिकल एग्जामिनर फॉरवर्ड द सेम टू केमिकल एग्जामिनर वाइट फॉर्म बी। द केमिकल एनालाइजर आफ्टर एनालाइजिंग द सैंपल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट एज प्रिस्क्राइब इन फॉर्मेट सी। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है और तो वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर जिसने उसको विक्टिम किसी पर्सन को अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद अगर उसको पकड़ा है तो वो उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको सेंड कर सकता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जब सेंड किया जाएगा तो उसको जो है एक सर्टिफिकेट इशू होगा, उसके अंदर हर एक चीज़ लिखी होगी, उसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन उसने क्या क्या किया उसके रिगार्डिंग, उसका ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा ताकि केमिकल एग्जामिनर उसको एग्जामिन कर सके और फिर उसकी रिपोर्ट भी एक तैयार होगी और फिर वो जो है एक फॉर्मेट बना के फिर आगे फॉरवर्ड की जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो ड्रंकननेस जो वीडियो दिया था मैंने उसके अंदर मैंने पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन मैंने पूरा समझाया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, उसके अंदर मैं डिटेल में पूरा समझा रखा है। जैसे कि उसको हम जैसे चलने के लिए बोलेंगे और कि वो एक सीध में चल पा रहा है नहीं चल पा रहा है, वो चलते चलते हम उसको अचानक से कहेंगे उसका रिफ्लेक्स टेस्ट करने के लिए कि टर्न लेके वापस आओ, तो वो हम टेस्ट करेंगे कि अगर ड्रंकन पर्सन होगा तो वो क्या करेगा कि ओवरशूट कर जाएगा, 2-3 स्टेप के बाद वो टर्न लेगा। हम उसको राइटिंग के लिए लिखने को कहेंगे तो वो काफ़ी वेवी फॉर्म में लिखेगा, वो उसकी स्पीच जो है स्लर्ड स्पीच रहेगी, जो है मुंह से जो है अल्कोहलिक स्मेल आएगा, उसका जो है आईज कंजक्टाइवा जो है रेड आई रहेगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने समझा रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बलवन गणपति। द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वॉज नॉट वायलेटेड व्हेन ब्लड फॉर केमिकल एनालिसिस वाज टेकन अंडर सेक्शन 129A ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए तो ये दे रखिए। सेक्शन 84 ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु इज फाउंड ड्रंक और ड्रिंकिंग इन अ कॉमन ड्रिंकिंग हाउस और इज फाउंड देयर प्रेजेंट फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग शैल और कन्विक्शन बी पब्लिश विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज। तो अगर मान लीजिए कि जहाँ पे शराब पी जाती है अगर उस एरिया में अगर वो पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर फाइन लग जाएगा। पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, अगर वो उस पर्पस के लिए आया है तो उसके ऊपर फाइन लग जाएगा।
सेक्शन 85 क्या कहता है, ऑफ द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 प्रोवाइड दैट एनी पर्सन फाउंड ड्रंक और इनकैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग हिमसेल्फ और बिहेव इन अ डिसऑर्डरली मैनर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ड्रिंक इन एनी स्ट्रीट और थ्रू फेयर और पब्लिक प्लेस और इन एनी प्लेस टू विच द पब्लिक हैज और परमिटेड टू हैव एक्सेस सेल ऑन कन्विक्शन बी पब्लिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 to 3 months एंड विद फाइन विच मे बी एक्सटेंड टू 200 to 500 rupees। यानी कि दोस्तों सेक्शन 85 ये कहता है कि अगर कोई शराब पीने के बाद अगर वो स्ट्रीट पे जाता है, हंगामा मचाता है या किसी मेले में चला जाता है या पब्लिक प्लेस में चला जाता है, तो ऐसी जगह पे अगर वो चला जाता है तो वो पनिशेबल माना जाएगा। सेक्शन 65 और 66(1) क्या कहता है, प्रोवाइड पेनल्टी फॉर इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर सेल पर्पस और ट्रांसपोर्ट ऑफ एन इंटॉक्सिकेंट विदाउट प्रॉपर लाइसेंस परमिट और ऑथराइजेशन। यानी कि विदाउट लाइसेंस ना ही आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, ना मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो बिना लाइसेंस के, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अ मेडिकल प्रैक्टिशनर मे बी सूड फॉर डैमेज कॉज व्हाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट अंडर इंटॉक्सिकेटेड स्टेट और अ सर्जन मे बी हेल्ड नेग्लिजेंट फॉर डेथ ऑफ पेशेंट इफ द सर्जन परफॉर्म ऑपरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। द सर्जन मे बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 304A ऑफ IPC। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी डॉक्टर ने जो है शराब पीने के बाद अगर ट्रीट करता है या किसी कोई सर्जन जो है इंटॉक्सिकेटेड हालत में अगर कोई सर्जरी परफॉर्म करता है और उसकी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो वो सेक्शन 304A के तहत, 304A IPC के तहत वो गुनहगार माना जाएगा। ट्रीटिंग द पेशेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल इज कंसिडर्ड एज इनफेमस कंडक्ट। यानी कि पेशेंट को ट्रीट अगर एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में कोई करता है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करार दिया जाएगा। मैनी होमिसाइड्स आर ट्रिगर्ड बाई एग्रेसिव बिहेवियर एंडेंजरेंस बाई एल्कोहल। तो ये सारे इसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट थे एल्कोहल के। और देखते हैं, स्टडी हैव शोन दैट अल्कोहल कैन बी जनरेटेड इन द प्यूट्रीफाइड बॉडी, पोस्टमार्टम प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन डिकम्पोजिशन बॉडी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू बैक्टीरियल एक्शन। सच प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन बॉडीज इज रिफर्ड एज इनडेंजरस अल्कोहल, एंडोजीनियस अल्कोहल। इट इज स्टेट दैट द अपर लिमिट ऑफ इंडोजीनियस प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इज 0.15%। अल्कोहल इज हाईली हाइड्रोफिलिक, so once it enter the systemic circulation it is distributed evenly throughout total body water, because women have more body fat compared with men, fat contain no water, higher peak alcohol level are achieved in women than in male of the same weight। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने समझाया था कि जो फीमेल होती है उनके अंदर ADH एंजाइम की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर 20-30% ब्लड के अंदर ज़्यादा लेवल में पाया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन फीमेल द ब्लड अल्कोहल लेवल इज 20-30% मोर ड्यू टू रिड्यूस मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मिथेनॉल के बारे में, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, वुड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं, वुड अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं और वुड नेप्था के नाम से भी हम जानते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं दोस्तों, मिथेनॉल इज कलरलेस एंड वॉलेटाइल लिक्विड, पिक्यूलियर नॉजिएटिंग ऑडर, बर्निंग टेस्ट, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ द वुड। दोस्तों इसका एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, मिथेनॉल इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक थ्रू लंग एंड स्किन, इट इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, इट इज फर्स्ट मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्मल्डिहाइड बाय द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड देन
द फॉर्मेल्डिहाइड इज फर्दर मेटाबोलाइज इंटू फॉर्मिक एसिड बाय द एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि मिथेनॉल पहले कन्वर्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड में किसके एंजाइम के द्वारा, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के द्वारा, और फिर फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड के अंदर किस एंजाइम के द्वारा, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के द्वारा। तो यह है इसका पूरा मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल, ये पूरा मेटाबॉलिज्म है। मिथेनॉल फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड द हाफ लाइफ इज अबाउट 20 to 60 hours। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मिथेनॉल इट्सेल्फ इज नॉन टॉक्सिक बट टू मेटाबोलाइज फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड आर हाईली टॉक्सिक। तो जो मिथेनॉल होता है वो खुद टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो जाता है, मेटाबोलाइज होने के बाद जो फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। दिस कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग प्रोफाउंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड विजुअल डिफेक्ट एंड ब्लाइंडनेस। दोस्तों फेटल डोज की अगर बात करें तो 60 to 100 ml इसका फेटल डोज होता है मिथेनॉल का। फेटल पीरियड दोस्तों इसका होता है 24 to 36 hours। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो द क्लिनिकल फीचर्स में भी डिलेड फॉर 12 to 24 hours। पेशेंट में प्रेजेंट विद नॉजिया, वॉमिटिंग, एबडोमिनल पेन, हेडेक, ब्रेथलेसनेस, डिजीनेस, वर्टिगो, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, प्रोफाउंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कन्वल्शंस, डिलीरियम, कोमा। विजुअल डिस्टर्बेंस आर कॉमन एंड आर एट्रीब्यूटेड टू टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड की वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। देयर मे बी ब्लरिंग ऑफ विजन और फ्लैंक ब्लाइंडनेस। देयर इज रेट्रोबल्बर डिजनरेशन इन द फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ माइलिनेशन पोर्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड सपोज टू बी कॉज ऑफ विजुअल लॉस। यानी कि जो फॉर्मिक एसिड होता है दोस्तों वो ऑप्टिक नर्व का माइलिनेशन पोर्शन का नेक्रोसिस कर देता है जिसकी वजह से विजुअल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। फोटोफोबिया देखा जाएगा क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। कंस्ट्रिक्शन ऑफ विजुअल फील्ड देखा जाएगा। फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या क्या देखने को मिलेगा फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर? हाइपरीमिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क, पेपिलेडीमा, इंक्रीज पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, रेटिनल एडिमा। तो ये सारी चीज़ें हमें फंडोस्कोपी के अंदर देखने को मिलेगा मेथेनॉल पॉइजनिंग के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो हाई एनाइन गैप एसिडोसिस देखने को मिलेगा इसके अंदर। फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड के अंदर दिखाया था। ब्लड मिथेनॉल लेवल क्या रहेगा? मोर देन 50 mg/100 ml इंडिकेट सीवियर पॉइजनिंग। मैनेजमेंट दोस्तों इसका हम क्या करेंगे? तो प्रोटेक्ट आई फ्रॉम लाइट, मेंटेन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ब्लड प्रेशर। गैस्ट्रिक लेवाज हम कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। एंटीडोट हम ले सकते हैं इथेनॉल का। तो दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि मिथेनॉल का एंटीडोट क्या है? तो इथेनॉल इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है। तो इथेनॉल कम्पीट विद द एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एंड प्रिवेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथेनॉल विच इज देन एक्सक्रीटेड एंड चेंज इन यूरिन। 10% इथेनॉल इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। लोडिंग डोज ऑफ 0.7 ml/kg इज फॉलोड बाई 0.15 ml/kg/hr ड्रिप। अल्टरनेटिवली 10% इथेनॉल इज एडमिनिस्ट्रेड एट द डोज ऑफ 10 ml/kg इंटरवेनियसली आफ्टर 30 minutes फॉलोड बाई 1.5 ml/kg/hr सो एज टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन अ ब्लड इथेनॉल लेवल ऑफ 100 mg/100 ml। तो दोस्तों इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है इथेनॉल, और उसको हम कैसे देंगे? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के दौरान हम लोडिंग डोज दे सकते हैं और फिर उसके बाद हम ड्रिप भी चला सकते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा दोस्तों इथेनॉल इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है। दोस्तों मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट देना रहेगा हमें एसिडोसिस प्रिवेंट करने के लिए, फॉर एसिडोसिस एंड इट आल्सो प्रिवेंट रेटिनल डैमेज। फॉलिनिक एसिड हम दे सकते हैं दोस्तों, फॉलिनिक एसिड दे सकते हैं हम इंटरवेनियसली। इट एनहांस द रिमूवल ऑफ फॉलिनिक एसिड।
हीमोडायलिसिस भी हम कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस जो हम करेंगे तो ये भी जो है एक जो है इसके मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पोटेशियम क्लोराइड में भी रिक्वायर्ड इफ हाइपोकैलेमिया डेवलप ड्यू टू एल्कलाइन थेरेपी फॉर मिथाइल प्रेजर पायराजोल इज ए स्पेसिफिक इनिबिटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड रिटार्ड मिथेनॉल मेटाबॉलिज्म। स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ 100 mg हैज बीन फाउंड टू इफेक्टिव। दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में इसको बोलूं तो जो है एंटीडोट, एंटीडोट के अंदर हमने देखा कि हम इथेनॉल देंगे इसके ना मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस करेंगे हम इसके अंदर हम फॉलिनिक एसिड भी देंगे ताकि वो यूरिन के अंदर वो एस्क्रीट हो जाए, ताकि जो फॉर्मिक एसिड है वो जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए। तो जैसे हमने इसके अंदर देखा था कि फॉर्मिक एसिड बनता है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम फॉलिनिक एसिड हम देते हैं। तो ये क्या करेगा, एस्क्रीट इन यूरिन। हीमोडायलिसिस करेंगे हम, इथेनॉल देंगे हम और फॉलिनिक एसिड हम देंगे। दोस्तों ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में भी हाइपरिमिक एंड इनफ्लेम। पैची सब म्यूकोसल हेमरेज में भी नोटेड। प्लूरोडीमा भी देखने को मिलेगा, सेरेब्रल एडीमा भी देखने को मिलेगा, रेटिनल डैमेज भी देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस ऑफ माइलिनेटेड पोर्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगा ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर। दोस्तों इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, तो डेथ, मोस्ट ऑफ द डेथ आर ड्यू टू एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ द मिथेनॉल ड्यू टू नॉन अवेलेबल ऑफ द रेगुलर एल्कोहल और ड्यू टू अडल्ट्रेशन ऑफ द रेगुलर एल्कोहल विद मिथेनॉल। तो ज़्यादातर एक्सीडेंटल कंजम्पशन होता है जब रेगुलर एल्कोहल नहीं मिलता है या जब मिलावट किया जाता है एथेनॉल का रेगुलर एल्कोहल के अंदर। तो हूच ट्रेजिडी के नाम से आप जानते होंगे ये, तो लिख देता हूँ मैं हूच ट्रेजिडी। तो हूज ट्रेजिडी के नाम से ये जाना जाता है। दोस्तों एक बारी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। तो इसके अंदर हमने देखा था कि फीमेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया था मैन के कंपेयर में, एटलीस्ट 20-30% ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उनका लेस मेटाबोलाइजिंग एंजाइम उनके अंदर पाए जाते हैं। इसका मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने बताई थी, मैंने 0.79। इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है, और इसके अंदर मैंने ये भी कहा था कि अल्कोहल, यहाँ पे मैं लेता हूँ इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या करता है दोस्तों कि ये जो है सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, 80% तक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है, और 20% स्टमक के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है, स्टमक के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है इथेनॉल, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। इसके अंदर दोस्तों एक मैंने बताया था विडमार्क फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से ही है। तो विडमार्क फॉर्मूला क्या बताया था मैंने दोस्तों, ए इक्वल टू पी सी आर या सी पी आर, जो भी आपको सुटेबल लगे, जिसमें से ए मैंने आपको बताया था एल्कोहल वेट, पी मैंने आपको बताया था बॉडी वेट, सी मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, आर मैंने बताया था कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है कांस्टेंट, ये मैंने आपको बताया था मेल के अंदर ये होता है 0.6 और फीमेल के अंदर होता है 0.5। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर फिर मैंने आपको बताया था कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट फॉर एल्कोहल डिटेक्शन। तो एल्कोहल डिटेक्शन कैसे करोगे आप, इसके लिए मैंने निमोनी बताया था KBC, के से मैंने बताया था कोजेल का हाइन टेस्ट,
पोजेल का फाइन टेस्ट, बी से मैंने आपको बताया था ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हेनरी लॉ के ऊपर बेस होता हेनरी लॉ के ऊपर बेस है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम एल्वुलर एयर कंसंट्रेशन देखते हैं, हम एल्वुलर एयर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन देखते हैं किसके किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ड्रंकोमीटर के द्वारा, ड्रंकोमीटर के द्वारा। सी से मैंने बताया था आपको क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, क्रोमेटोग्राफी तो ये मैंने आपको गैस क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक खत्म करता हूं। तो मैंने पूरा एल्कोहलिज्म, ड्रंकननेस, मिथेनॉल और इथेनॉल मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ये एंड करने से पहले, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, इन्हीं से ही अचीवमेंट मिलती है। तो दोस्तों अगर मैं स्मार्ट वर्क का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो दोस्तों स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए कि हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो एनेस्थीशिया है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम उसको 3 से 4 दिन में हम फुल कंप्लीट कर दें, लेकिन वहीं जो मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट हैं, सर्जरी जैसे सब्जेक्ट हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि 15 दिन अप्रॉक्स हम उसको अच्छे से डिटेल में हम कवर करें। ये ना हो दोस्तों कि हम सर्जरी मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट के लिए हम 5-6 दिन दे रहे हैं और एनेस्थीसिया जैसा सब्जेक्ट हम जो है महीने भर में ख़त्म कर रहे हैं, तो दोस्तों वो एक स्मार्ट वर्क नहीं कहलाया जाएगा। ऐसे दोस्तों हार्ड वर्क, अगर मैं जैसे आपको कहता हूँ कि अगर आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं, तो उसको आप 4 से 5 घंटे के 2 स्लॉट में आप डिवाइड कर लीजिए। 4 से 5 घंटे पहले में आप थ्योरी कवर करिए और फिर उसके साथ आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, ग्रैंड टेस्ट दीजिए, ग्रैंड टेस्ट वगैरह दीजिए, या आप लोग जो है उस इससे रिलेटेड जो इमेज सॉल्व करिए। तो ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, टेस्ट हैं, ग्रैंड टेस्ट हैं, आप फिर वो सारे आप दीजिए। इसके अंदर भी मैंने आपको स्पेशली ये कहा है कि जनरली जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है वो 3:30 बजे से होता है, तो 3:30 PM से होता है, तो कोशिश करिए कि आप 3:30 बजे से डेली ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। इससे होगा ये कि आपको जो है एक रूटीन बन जाएगा, आपको उस टाइम पे जो है नींद नहीं आएगा, क्योंकि खाना खाने के बाद देखा जाता है कि स्टूडेंट सो जाते हैं, सोने की आदत आ जाती है उनमें। अगर आप साल भर वही रूटीन फॉलो करते हो और अचानक से एग्जाम से पहले आप ये रूटीन में अपने चेंज लेके आते हैं, तो पढ़ाई भी हेम्पर होती है। तो इसीलिए दोस्तों कोशिश करिए कि आप जो है इस टाइम पे आप एग्ज़ाम दीजिए, डेली ग्रैंड टेस्ट दीजिए। इससे होगा ये कि आपके सारे सब्जेक्ट का आपको जो है ग्रैंड टेस्ट देने की आदत रहेगी, आपको पता रहेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता रहेगा कि आप कितने लेवल में हैं, आपने कितना कवर किया है, आपको किस किस टॉपिक में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो आपकी नीट पीजी काफ़ी आसानी से आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। तो दोस्तों अचीवमेंट पाने के लिए ये दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग जरूर रखिए। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो हमेशा अपने अंदर सोचिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी, आई कैन क्रैक विद अ ग्रेट स्कोर, विद ग्रेट मार्क्स, विद सिंगल डिजिट या 2 डिजिट रैंक। हमेशा अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए, करिए जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब। तो दोस्तों एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप हमारा लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो हमारे नई नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, तो इससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। इससे होता ये है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखें, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, इसके अंदर मैं आपके डाउट क्लियर नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस रखूँ, स्लाइड्स रखूँ, ताकि आपके उन स्लाइड्स के थ्रू ही आपके जो है डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन दोस्तों तब भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर आपको डाउट आता है, तो आप मेरी ऐप के अंदर आप जो है मेरी स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, वो लाइव क्लासेस होती हैं, तो ऐसे में आप जो है वहाँ पे मेरे से जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा जो कोड है वो है LIVEDRM। अगर आप
ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं दोस्तों वो हैं, मेरा कोड अप्लाई करने का वो है 27,000 रुपीज़। ऐसी दोस्तों अगर मैं 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो वो होते हैं 4,500। वहीं अगर मैं 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो उसके चार्जेस जो 22,500, तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको टोटल 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि आपको पे करना 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको पूरे 2 साल का। दोस्तों जनरली अप्रैल का महीना चल रहा है, नीट पीजी एग्ज़ाम आने में पूरा जो है 9-10 महीने बचे हैं अभी, तो जनरली अगर देखा जाए तो 1 साल का टाइम लगता है प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप एक साल प्लस 1 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। अब आप सोचोगे मैं 2 साल का सब्सक्रिप्शन क्यों लूँ, एग्ज़ाम तो जनवरी में। तो दोस्तों इसका ये इसका इसके लिए जो जो बेनिफिट ये मिलेगा आपको 2 साल के लिए कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी जो भी कोई एग्ज़ाम्स आएंगे, जैसे अगर आप एम्स के लिए अगर आप ट्राई करते हैं, या PGI, NIMHANS, अगर इन सब के लिए भी ट्राई करते हैं, या एग्ज़ाम के बाद भी अगर आपका मन करता है कि आप जो है अपनी पढ़ाई के टच में रहें, या आप जो है पढ़ाई से पीछे ना हटें, टच में रहें, MCQ सॉल्व करते रहें, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, तो उन सब के लिए भी ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसलिए दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, अगर आप 1 साल का सोचें तो 1 साल के बजाय आप 13 मंथ्स का ले लीजिएगा। इससे आपको पूरे 2 साल का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी साथ मैं आज का ये रिकॉर्डिंग मैं एंड करता हूँ। अगली बार एक नई रिकॉर्डिंग के साथ आऊँगा, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।